नमस्कार दोस्तों, सच्ची न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि एलओसी पर एक बार फिर से सीज फायर टूटा है और हैवी फायरिंग यहां पर हुई है। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा पीओके पहुंच गए हैं और भारतीय सेना प्रमुख एलओसी पर पहुंच गए हैं। तो क्या है पूरा अपडेट, ये मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमेशा मैं आपको लगातार हमारी सीमाओं की परिस्थितियों से अपडेट करवाता रहता हूँ। और अगले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह से कुछ महीनों पहले सीज फायर की सहमति बनी थी। लेकिन वहीं पर आपको ये भी बताया था कि ये सीज फायर हमेशा की तरह कुछ ही दिनों के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश शांति के रास्ते पर चल ही नहीं सकता। हाल ही में यही बात सच हो गई है, क्योंकि एलओसी पर सीज फायर के बावजूद हैवी फायरिंग हुई है। पाकिस्तान ने भारत की ओर गोलाबारी करी है, वहीं भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान की गोलाबारी के जवाब में हैवी फायरिंग एक्सचेंज किया है। हालांकि यहां पर कोई बड़ी कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं की गई है। तो दोस्तों, एलओसी पर भारत की ओर से रूटीन मेंटेनेंस के काम के लिए जेसीबी से काम लिया जा रहा था, पर पाकिस्तानी आर्मी ने जेसीबी को देखा तो उन्होंने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी फायरिंग करी है। अगले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से हाल ही में पीओके में पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट बढ़ गया है। वहां पर तेजी से धड़ाधड़ पाकिस्तानी सैनिक तैनात हो रहे हैं। वहीं चीन और पाकिस्तान मिलकर तिब्बत में एलएसी के पास युद्धाभ्यास करने वाले हैं। पीओके का जायजा लेने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा भी पीओके में पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने पाकिस्तानी सेना की तैयारियों का भी जायजा लिया है। और ये सब बहुत ही अचानक हो गया है। जिस तरह से पीओके में रातों रात तैनाती करी गई, वो अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन को ये डर सता रहा है कि भारत कहीं एग्रेसिव एक्शन लेते हुए पीओके पर कोई कार्रवाई ना कर दे, और इसीलिए इससे पहले पाकिस्तान और चीन भारत को घेरने की रणनीति में काम कर रहे हैं। और वहीं भारत भी इसमें पीछे नहीं है, क्योंकि भारत पहले से ही चीन और पाकिस्तान को जानता है, और इसीलिए भारत ने भी अपनी पूरी तैयारी करके रखी है। जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ पीओके में पहुंचे हैं, वहीं भारत के सेना प्रमुख भी कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, और वहां पर उन्होंने 15 कॉप्स के जवानों से मुलाकात करी है। दोस्तों, 15 कॉप्स खासकर घुसपैठ की घटनाएं और आतंकी गतिविधियों पर नजर बनाकर रखते हैं। और इसके अलावा हमारे आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने हमारे सभी जवानों को पाकिस्तान के किसी भी मूवमेंट पर नजर बनाने के लिए ऑर्डर्स दिए हैं। उन्होंने हमारे जवानों की तारीफ भी की है कि हमारी सेना महामारी के इस दौर में महामारी के अलावा पाकिस्तान और चीन की जैसी दूसरी बीमारियों से भी बहुत अच्छी तरीके से लड़ रही हैं। हमारे आर्मी चीफ जनरल नरवणे 2 दिन के एलओसी दौरे पर निकले हैं। पाकिस्तान से जो उम्मीद थी, उस पर पाकिस्तान पूरा खड़ा उतरा है। और सीज फायर के पूरे 100 दिन होने पर एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई है। और वहीं भारतीय सेना भी पूरे तरीके से तैयार है और लगातार पाकिस्तानी जवानों पर नजर बनाए हुए है। जिस तरह से पाकिस्तान और चीन एक साथ आ गए हैं, उस तरह से ये एक खतरा बन गया है कि ये दो देश एक साथ भारत के खिलाफ 2 मोर्चे खोल सकते हैं। लेकिन भारत भी इस बार पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है, और इस बार अगर झड़प होती है तो ये झड़प बहुत आगे तक जाने वाली है। मेरा मतलब है कि फिर भारत पाकिस्तान से पीओके और चीन से अक्सर चीन छीन सकता है, क्योंकि भारत इस बार पूरी तैयारी से तैनात है। तो एलओसी या एलएसी से लेकर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको लगातार अपडेट करवा रहा हूँ। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे ऐसे कोई अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।